नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के ऑडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले दो तीन वीडियो में हमने जो पेट 2023 का एग्ज़ाम आपका जो अगले हफ्ते है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम एक और महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे आपके साथ में, जो कि भूगोल का टॉपिक है, जिसमें नदियाँ और नदी घाटी, इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे। तो सिंधु घाटी का उद्गम स्थल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कैलाश पर्वत श्रृंखला से है। ऐसी वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, ये नदी कौन सी है? तो ये सतलज नदी है। ठीक है, यह हिमालय की तीनों श्रेणियां जो है उनको आर पार कट करती है। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा जो है वो झेलम नदी की, प्रश्न पूछा गया है, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशन गंगा। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है? इसका उद्गम, तो सतलज नदी ऐसी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, मतलब ये आपके जो सिंधु नदी तंत्र है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस रेफरेंस में, कि जिसका उद्गम भारत में नहीं है, तो ये सतलज नदी, इसका उद्गम भारत में नहीं है। व्यास और सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। ठीक है, देखिए, जो ब्यास नदी है और सतलज नदी है, इन दोनों नदियों के मध्य फैला हुआ भूभाग, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, जमीन होती है, ठीक है, उसको हम दोआब बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिस्ट दोआब है जो ब्यास और सतलज नदियों के बीच का फैला हुआ क्षेत्र है। वह नदी जिसके स्रोत बिंदु, ठीक है, लगभग एक ही है, ऐसी कौन सी नदी है? वह कौन सी नदियां हैं जिनका जो पॉइंट ऑफ बिगनिंग है, जो सोर्स पॉइंट है, वो लगभग एक है? तो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी, ये दोनों जो है लगभग मानसरोवर झील के आसपास में एक ही जगह से आसपास से निकलती है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। नदियाँ तो कई सारी हैं, लेकिन ये जिस रेफरेंस में पूछा जा रहा है उस रेफरेंस में है। फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा किस नाम से जानी जाती है? जो आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज है, फरक्का बांध है, उसके बाद से जो गंगा नदी है उसको पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह स्थान जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आकर के मिलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? सुपर इम्पोज्ड जिसको बोलते हैं, तो ये चंबल नदी जो है वो एक तरह की अध्यारोपित नदी है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बेतवा नदी कहाँ पे मिलती है? तो बेतवा नदी जो है वो यमुना में आकर के मिल जाती है। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा नदी जो है उसी के तट पर बद्रीनाथ का धाम है, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी पर्यटक भी यहाँ पे जाते हैं घूमने टहलने के लिए। ठीक है, तो ये अलकनंदा नदी के पास में है। भ्रंश घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, इससे होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, तो कोसी नदी। कोसी नदी इतना ज़्यादा कुख्यात है कि उसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि बिहार के कई सारे जिलों में वो बाढ़ लाने का काम करती है, बाढ़ आती है उसी वजह से, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है, तो गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन उसमें एक ऐसी भी नदी है जिसका उद्गम जो क्षेत्र है वो पहाड़ी इलाके से ना होकर के, पर्वतीय भाग से ना होकर के, मैदानी भाग से है। ठीक है, तो ये वही नदी है जिसको आप गोमती के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोमती नदी जो है आपको पता होगा पीलीभीत जो जिला है उत्तर प्रदेश का, उसमें एक फुलहर झील है। ठीक है, माधो तांडा जगह के पास में फुलहर झील है, उसी फुलहर लेक से इस नदी का उद्गम है, तो ये मैदानी भाग में इसका उद्गम होता है। गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है? मतलब गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी, उत्तरवाहिनी का मतलब क्या है? जो नॉर्थ उत्तर दिशा से आकर के गंगा में मिलती है, तो वो आपकी सोन नदी है।
भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? ठीक, क्वेश्चन समझना है कि सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो पेनिनसुलर इंडिया में फ्लो होती है, प्रायद्वीप में, भारत का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है उसमें जो फ्लो होती है, तो वो आपकी गोदावरी नदी है। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। किस प्रायद्वीपीय नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र का मतलब क्या है, जिसको इंग्लिश में कैचमेंट एरिया बोला जाता है, कि कितना जल वो ग्रहण कर सकती है, कौन सी नदी कितना ज़्यादा जल ग्रहण कर सकती है, उसको हम कैचमेंट एरिया या फिर जल ग्रहण क्षमता बोलते हैं। तो जल ग्रहण क्षमता प्रायद्वीपीय नदी का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो गोदावरी नदी का है। ठीक है, अब गोदावरी नदी का आया है नाम, तो यहाँ पे हम ध्यान दे लेते हैं। एक है गोदावरी नदी और दूसरी है कावेरी नदी, जो कि प्रायद्वीपी भारत की दो प्रमुख नदियाँ हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनके उपनाम हैं। गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है, और कावेरी नदी को हम दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, तो बूढ़ी गंगा मतलब गोदावरी, दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी। ठीक है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वह नदी जिस पर चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है, चित्रकूट जो है ये उत्तर प्रदेश का जिला है, लेकिन ये जलप्रपात जो है, चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है, जो कि कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। कुमाऊँ हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊँ हिमालय जो है वो सतलज और काली सिंध नदियों के बीच में अवस्थित है। भारत की कौन सी नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माही नदी जो है, ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, ये यहाँ आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है, माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। वह नदी जिसके ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु उसके निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो यह राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। ठीक है, लूनी नदी क्या है, ये इसके ऊपरी भाग में मीठा जल है और खारा जल जो है इसके निचले भाग में है। ठीक है, तो राजस्थान में फ्लो होती है, तो बीकानेर के बाद जब ये नदी बढ़ती है तो इसका जो जल जो है वो खारा हो जाता है, उससे पहले इसका जल जो है वो मीठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है लूनी नदी और माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अपने भ्रंश घाटी में प्रवाह के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। ठीक है, जिसको पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? जो गल्फ ऑफ मन्नार है उसमें कौन सी नदी गिरती है? तो वो है वैगाई नदी। वैगाई नदी जो है उसका जो अंत बिंदु है, अंत बिंदु मतलब जहाँ पे वो किसी खाड़ी से, किसी सागर से जाकर के मिल जाए, तो उसको हम बोलते हैं अंत बिंदु। तो वैगाई नदी मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है। वह पश्चिम वाहिनी नदी, पश्चिम वाहिनी मतलब क्या है, जो वेस्ट से मतलब पश्चिमी भाग से बहती है, दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, वो कौन सी है? ठीक है, पश्चिम वाहिनी मतलब क्या है कि वो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझिए, जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो आपको आपका नाम ध्यान रखना है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में और भी हमने आपको बताया था, जो भ्रंश घाटी में फ्लो होती है, एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होती है, तो नर्मदा नदी है। ठीक है, एक तरफ इसके उत्तर दिशा में अगर आप बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत है, और इसके जो दक्षिणी भाग में बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बहती है ये नदी, इसीलिए इसको जो है दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, रिफ्ट घाटी से बहकर होने वाली नदी नर्मदा, हमने आपको पहले भी बता दिया। दामोदर भी इसी नदी में, रिफ्ट वैली में ही फ्लो होती है। भारतीय नदियाँ जो एस्चुरी या ज्वार नद मुख बनाती हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पश्चिम दिशा में मतलब पश्चिमी घाट में जा करके मिलने वाली नदियाँ जो है, या आप ऐसा समझ सकते हैं कि पश्चिमी भारत में, आप और आसानी से समझिए, तो जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो ज्वार नद मुख बनाती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में गिरने वाली जो दो प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं आपकी ताप्ती और नर्मदा। तो ताप्ती और नर्मदा रिवर जो है वो ज्वार नद मुख बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा ना बना करके जो आपकी उत्तर कोस्ट में, या आप ये समझ सकते हैं उत्तरी कोस्ट में, या बंगाल में मिलने वाली जो नदियां हैं जाकर के, वो जल वो बनाती हैं, क्या सॉरी डेल्टा बनाती हैं, लेकिन जो पश्चिम भाग में मिलती हैं जिसमें ताप्ती और नर्मदा प्रमुख हैं, ठीक, वो एस्चुरी, या एस्चुरी को हिंदी में ज्वार नद मुख कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना है। कावेरी नदी
का उद्गम कहाँ से है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, अभी हमने आपको बता दिया, ठीक है। दो पर्वत श्रेणियाँ, उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा नदी पर्वत श्रेणी, इन दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में नर्मदा नदी का प्रवाह है। वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा, पहले हमने आपको बता दिया, कावेरी नदी कहा जाता है। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो हुगली, हुगली रिवर की सहायक है दामोदर, ध्यान रखना है। भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल, ठीक है, जैविक मरुस्थल किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को, दामोदर नदी को ही जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां अपवाह तंत्र कौन सा रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो वृक्षनुमा, ठीक है, जिसको आप डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं इंग्लिश में, अगर इसको बात किया जाए। डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक का मतलब क्या होता है? वृक्षनुमा, क्योंकि उसकी बहुत सारी शाखाएं, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरे से तीसरी शाखा, तो ऐसा समझ सकते हैं मेन नदी है, प्रमुख नदी है, उससे और सारी जो सहायक नदियां करके मिल रही हैं तो वो एक उसकी एक पेड़ की तरह बनेंगी, उसकी जो शाखाएं होती हैं किसी पेड़ की टहनियां होती हैं वो सहायक नदियां उसका काम करती हैं, ठीक है। और जो मेन रिवर फ्लो हो रही होती है उसको हम मेन शाखा, ठीक है, या मुख्य शाखा बोलते हैं किसी पेड़ के अगर तुलना किया जाए तो। वृक्षनुमा जो डेंड्रिटिक पैटर्न जिसको बोलते हैं, या वृक्षनुमा जो पैटर्न है, या जो अपवाह तंत्र है, ये दक्षिण भारत की जो नदी है इसमें यही इसी तरह का अपवाह तंत्र मिलता है। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, बहुत प्रमुख नदी है महानदी, ठीक है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह कैसे होता है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, जो डेक्कन प्लेटू है। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच, ठीक है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है, और आपसे अगर शांत घाटी पूछा जाएगा, साइलेंट वैली केरला में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है, तो मिलाम एक तरह का नाम उसका है, मिलाम ग्लेशियर, ठीक है, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है उस क्षेत्र में है। सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, हमने आपको पहले भी बता दिया। भारत का लगभग दो तिहाई कोयला कहाँ पाया जाता है? जो दामोदर वैली है, दामोदर घाटी है, लगभग 2/3 अमाउंट जो है, दो तिहाई हिस्सा जो कोयला भारत में प्रोड्यूस होता है, दो तिहाई हिस्सा जो है वो दामोदर घाटी में मिलता है, ठीक है। भारत का वह राज्य जहाँ फुलहर झील स्थित है, हमने आपको पहले भी बता दिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला, जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है या गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है। पंचपद्रा झील कहाँ पे स्थित है? राजस्थान की एक प्रमुख झील है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के निकट स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ठीक है, जहाँ से जो प्रक्षेपण है, ठीक है, उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता है, ये पुलिकट झील के पास में है, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप के पास में पुलिकट झील है, वहीं से ये जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वो अवस्थित है। वेम्बनाद झील केरल में है। वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश का हरसूद नगर जलमग्न हुआ था, ये कौन सा जलाशय है? इंदिरा सागर जलाशय है। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसको? रूपकुंड झील को, एक क्वेश्चन पूछा गया है, रूपकुंड जो झील थी उसको रहस्यमयी झील कहा जाता था। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? ध्यान से सुनिएगा, वह कौन सी झील है जो दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो कौन सी है? पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील का कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में है और कुछ उड़ीसा में है, ठीक है, तो यह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। मुंबई की मीठी नदी निकलती है कहाँ से? विहार झील से। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ पे है, किस राज्य में है? घाट प्रभा, ठीक है, घाट प्रभा। एक है चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य, कन्फ्यूज नहीं होना है, चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है ये चंदौली में है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे घाट प्रभा है, तो घाट प्रभा एक तरह की नहर है और ये कर्नाटक राज्य में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उकाई नहर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में है। तुलबुल परियोजना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी की एक प्रमुख परियोजना है झेलम नदी पर, जिसको तुलबुल परियोजना कहा जाता है। चेरुथानी बांध किस राज्य में अवस्थित है या किस नदी पर है? भाई बांध है तो किसी न किसी नदी पर होगा, एक रिजर्वायर होगा, तो पेरियार नदी पर। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो पेरियार नदी किस
राज्य में फ्लो होती है, तो वो केरला राज्य में। मलमपुझा बांध किस राज्य में है, तो ये भी मलमपुझा नदी पर है। कोटेश्वर बांध कहाँ पे है, भागीरथी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटेश्वर जो डैम है वो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, टिहरी बांध। टिहरी बांध जो है वो आपका भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी पर बनाया गया बांध कौन सा है, राजघाट बांध है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम डिस्कस करें, तो आप इसको एक बार सुनिएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। दामोदर नदी से निकलने वाली नहर कौन सी है, तो उसको एडन नहर कहा जाता है। एडन भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर डैम भी है वहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है, गुजरात में। भारत का वह राज्य जहाँ पे सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, जो ट्यूबवेल है उस माध्यम से सबसे ज़्यादा सिंचाई जो है अपने उत्तर प्रदेश में होती है। रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है, यह रावी नदी पर है। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, संयुक्त कार्य है, वो कौन सी है, तेलुगु गंगा जो है ये परियोजना है एक तरह की, जो तीन राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तीन राज्य की है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से है, हरिके बैराज से है। राजस्थान नहर निकलती है, राजस्थान नहर, ठीक है, इसी को इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है, ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पे, ठीक है, जो सतलज है और व्यास नदी का संगम से ये इंदिरा गांधी नगर नहर जो है ये निकली है, ठीक है, जिससे जो राजस्थान का पश्चिमी पोर्शन है, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, जो कि पूरी तरीके से रेगिस्तानी है, बलुई इलाका है, तो उसमें जो ये नहर निकाली गई है, तो उससे वहाँ के लोगों को कृषि कार्यों में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक, एक तरह से उस मैदानी भाग के लिए, उस सॉरी रेगिस्तानी भाग के लिए, एक तरह से ये इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है, ये एक तरह के वरदान साबित हुई है। रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे अवस्थित है, रोंग टोंग, ये हिमाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नागार्जुन सागर डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, तो शिव समुद्रम जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है परियोजना कर्नाटक राज्य में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ है, बेतवा नदी पर है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। उन दो राज्यों का नाम बताना है जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौता, एक तरह का आप एग्रीमेंट इस पे जो है हस्ताक्षर किए थे, तो जो किसाऊ बांध परियोजना है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसाऊ बांध परियोजना का संबंध किन दो राज्यों से है, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो किसाऊ बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इन दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, ठीक है, दोनों ने इस पर एग्रीमेंट किए। बगलिहार परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बगलिहार परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर है। इससे पहले हमने आपको बताया था तुलबुल परियोजना, जो कि झेलम नदी पर है। तो बगलिहार और तुलबुल ये दोनों कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखिएगा। कल्पोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, ये भी ध्यान रखना है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है, ये केरल की है। सेतु समुद्रम परियोजना ये मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है। सेतु समुद्रम, सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज, हिंदी में जिसको सेतु बोलते हैं, पुल बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम ब्रिज बोलते हैं, तो सेतु समुद्रम, ठीक है, मतलब ओशन में, समुद्र में एक तरह से सेतु का काम कर रहा है। कौन सी परियोजना है, तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ने का काम ये सेतु समुद्रम परियोजना कर रही है, दोनों को ध्यान रखना है। फरक्का बैराज का निर्माण कहाँ पे हुआ है, ठीक है, पहले ही हमने आपको बता दिया फरक्का बांध कहाँ पे है या बैराज है, ये हुगली नदी जो है उसमें पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने के लिए एक तरह बांध बनाया गया है, ये एक तरह से बैराज बनाया गया है कि उस पानी को हम जब हमारी इच्छा हो या जब चाहे तो उसको हम पानी को रोक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है, सिंचाई और नौकागमन में, ठीक है। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है, क्यों, क्योंकि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरह का जो पानी है उसको रोक करके रखना वो हर तरह से किसी न किसी एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है, ठीक है, इसलिए।
सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नंगल परियोजना। रुद्र सागर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। जो रुद्र सागर परियोजना है वो त्रिपुरा की एक प्रमुख परियोजना है। जवाहर सागर बांध, अभी हमने आपको बताया था, इंदिरा गांधी नहर परियोजना या इंदिरा गांधी नहर, जिसको राजस्थान नहर भी कहा जाता है, ये राजस्थान राज्य को बहुत लाभान्वित कर रही है। इसी तरह जवाहर सागर बांध जो है ये भी आपका राजस्थान में ही है। वह नदी, अब कुछ विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो भारत और विश्व का भौतिक भूगोल दिया हुआ है, तो इसमें से हो सकता क्वेश्चन पूछे जाए, पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस नदी का आपको नाम बताना है जिसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकार की, ठीक है, या बर्ड फूट डेल्टा जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हम बोलते हैं बर्ड फूट डेल्टा, तो पक्षी के पंजे के आकार वाला डेल्टा बनाता है, तो ये मिसिसिपी रिवर है। जो मिसिसिपी नदी है वो बर्ड फूट पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी नदी। यूरोप के चारों राजधानियों से होकर प्रवाहित वाली नदी कौन सी है? जो यूरोप है चार राजधानियों से, ठीक है भाई, यूरोप एक तरह का कॉन्टिनेंट है, उसमें चार देश उनकी राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि ये चार राजधानियों से होकर बहती है डेन्यूब नदी। नीली नदी या ब्लू नील नदी किस झील से निकलती है? तो ये ताना झील से निकलती है। करीबा बांध कहाँ पे निर्मित है? जो करीबा बांध है ये आपका जाम्बोजी नदी पर है। ये जितने भी प्रश्न डिस्कस किए जा रहे हैं ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अफ्रीका की वह नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका की वह नदी जो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार काटती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था माही नदी के बारे में, जो कर्क रेखा को भारत में दो बार काटती है, ठीक है। इसी तरह अफ्रीका की एक नदी है लिम्पोपो नदी, ध्यान रखने हैं, लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा है, अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को दो बार कट करती है, ठीक है, और कर्क रेखा को भारत में, कर्क रेखा को माही नदी, ध्यान रखना है दोनों को। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी कौन सी है? राइन नदी। भारत के केस में अगर हम बात करें तो हमने आपको दामोदर नदी के बारे में बताया, नर्मदा नदी के बारे में बताया, लेकिन विश्व वैश्विक परिप्रेक्ष्य में या वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में बात करें तो राइन नदी जो है वो भ्रंश घाटी से निकलती है। भारत पाक बगलिहार परियोजना थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी क्यांग चाइना में है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, मतलब ये क्वेश्चन नहीं लेकिन इससे मिलता जुलता या इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, ये पद्मा नदी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो गंगा नदी है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। महावेली गंगा एक नदी है, श्रीलंका की नदी है, ध्यान रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? जो वोल्गा नदी है वो कहाँ गिरती है? ये कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल लेक है, बैकाल झील है, ध्यान रखना है। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील, जो नॉर्थ अमेरिका है इसकी एक सुपीरियर लेक सुपीरियर है, सुपीरियर झील है। यह क्षेत्र फेमस क्यों लिए, किस लिए यह क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये इस क्षेत्र में जो आयरन के भंडार है, लोहे के भंडार है, बहुत ज़्यादा है, तो लौह अयस्क के भंडार के लिए यह जो झील है सुपीरियर झील, इस सुपीरियर झील का क्षेत्र आयरन ओर्स के लिए, लौह अयस्क के भंडार के लिए बहुत फेमस है। पर्ल ऑफ साइबेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबेरिया का मोती या पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। जम्मू और कश्मीर में अवस्थित झील कौन सी है? ठीक है, जम्मू और कश्मीर में आपने देखा होगा ठंडियों के मौसम में दिसंबर जनवरी के महीने में यह जो झील है वो पूरी तरीके से जम जाती है, ठीक है, लोग इस पर चलते हैं, मार्केट्स जो पूरी पूरी बाजार लगती है, ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये आपकी डल झील है, सॉरी डल झील के बारे में बोला जा रहा है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। क्षेत्रफल और आयतन की आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताने की ज़रूरत नहीं है, कैस्पियन सागर है, ठीक है, जिसमें इसी झील में आकर के वोल्गा नदी आकर के गिरती है। 1000 झीलों का देश, ठीक है, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है? या झीलों का देश पूछ लिया जाए, ठीक है, झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। USA में अवस्थित झील कौन सी है? तो मिशिगन झील है। असम में अवस्थित झील कौन सी है? तो
तो चपनाला नदी, चपनाला झील है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चपनाला झील किस राज्य में अवस्थित है, तो ये असम में है। चिल्का झील कहाँ अवस्थित है, चिल्का झील मतलब किस राज्य में पूछा जा रहा है, तो ये उड़ीसा में है। सुपीरियर झील कहाँ अवस्थित है, ये तो डुलुथ, ठीक है। सुपीरियर झील जो है वो डुलुथ नगर में स्थित है। मतलब सुपीरियर क्वेश्चन ये है कि सुपीरियर झील पर कौन सा जो नगर है वो स्थित है, तो डुलुथ झील, डुलुथ नजर नगर जो है वो यहाँ पे अवस्थित है। वेनेजुएला में अवस्थित जलप्रपात कौन सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको पता भी होगा, एंजल जलप्रपात, ठीक है, जो वेनेजुएला में स्थित एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, वाटरफॉल है, ठीक है, एंजल वाटरफॉल। तो ये आपके जो नदी है, नदी खाड़ी जो आपका नदियों जो रिवर वैली है, और रिवर से वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कई सारे, ठीक है। इसमें जो भारत के परिप्रेक्ष्य में डिस्कस किए हैं वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद।